गुड इवनिंग योशियंस, वेलकम टू योशी यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी का। मॉर्निंग में 9:15 पे देखते हैं, एक्सपायरी है 14 नवंबर, डेट है 11 नवंबर। मॉर्निंग में क्या दिख रहा है, 24,500 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है ओआई के कारण, जिसकी वीकनेस कुछ नहीं दिख रही। 24,000 पे सपोर्ट दिख रहा है ओआई के कारण। डाटा को 10 सेकंड आगे बढ़ा के देखते हैं, 10 सेकंड आगे बढ़ाने के बाद वॉल्यूम आया 24,100 पर, जिसकी सपोर्ट पे, जिसकी वीकनेस डाउन साइड पर अभी के लिए दिख रही है। 24,100 पे रेजिस्टेंस का वॉल्यूम आया है, जिसकी वीकनेस अपसाइड पे अभी के लिए दिख रही है। 3 मिनट डाटा आगे बढ़ा के देखते हैं ओआई चेंज कहाँ आया। अभी के लिए रेजिस्टेंस साइड का जो ओआई चेंज आया है वो आया है 24,100 पर, ठीक है जी, और सपोर्ट साइड का आया है 23,950 पर। ऑल ओवर ट्रेंड देखिए 59% आज बेरिश साइड पर दिख रहा है, तो हो सकता है कि अभी मार्केट आज थोड़ा सा बेरिश मूव अपना दिखाए। आगे चलते हैं, ध्यान रहे 9:20 तक की हम शिफ्टिंग, 9:20 के बाद की शिफ्टिंग को हम कंसीडर करते हैं, और आफ्टर 9:30 लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करना अपना शुरू करेंगे। नो लेवल्स नो ट्रेड, अपना सिंपल सा एक रूल है। आगे चलते हैं, 9:24 पे क्या दिख रहा है, 9:24 पे सपोर्ट दिख रहा है 24,000 पे वॉल्यूम ओआई एंड ओआई चेंज के कारण। रेजिस्टेंस दिख रहा है 24,200 पे वॉल्यूम के कारण, जिसकी वीकनेस अभी के लिए येलो बॉक्स डाउन साइड पे दिख रहे हैं। अगर देखे जाए तो इंक्रीजिंग मोड पे दिख रहा है वॉल्यूम, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ गए अब 9:30 पर। 9:30 क्या दिखा रहा है, 9:30 दिखा रहा है सपोर्ट तो स्ट्रांग है भाई 24,000 पर, किसके कारण से, वॉल्यूम ओआई एंड ओआई चेंज के कारण। इसके अंदर एक यहाँ पे उसी ने एक लाइन दी है, ये क्या कह रही है, शिफ्टेड हुआ टॉप से 24,100 से 24,000 पर, राइट। कितने बजे हुआ है, 9:15 पर, हमारे लिए आफ्टर 9:20 की शिफ्टिंग काम की है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को देखते हैं, रेजिस्टेंस की सबसे एक लाइन आ रही है, क्या आ रही है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप 24,200 से कहाँ गया, 24,100 पर, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर आया है। कितने बजे आया है, आफ्टर 9:20, यानी ये शिफ्टिंग हमारे काम की है। तो 9:24 पे हमें क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस साइड से प्रेशर बैरिश है। 9:30 पे रेजिस्टेंस प्रेशर बैरिश क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट जो है 24,000 पर दिख रहा है, तो हमारे लिए अभी के लिए 24,100 का जो रेजिस्टेंस है वो अपने लिए मार्केट का एक्सट्रीम टॉप दिख रहा है। अब लेवल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, 24,130 ये अपने लिए टॉप रेजिस्टेंस हो गया, 180 का लेवल हो गया जो कि इसका सपोर्ट है। वीकली फ्यूचर का लेवल भी आज ड्रॉ करेंगे हम, लगभग लगभग वीकली फ्यूचर देखा जाए तो लगभग पास पास ही आ रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, 4-4 5 पॉइंट का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, 24,000 के भी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, 24,000 का लेवल आ रहा है 31, ठीक है जी, और दूसरा लेवल आ रहा है 983। वीकली फ्यूचर का लेवल भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, एक आ रहा है 27 और दूसरा लेवल आ रहा है 79, ठीक है जी। अब मार्केट को पहले 9:30 तक देख लेते हैं, ट्रेवल करके मार्केट क्या कर रहा है। 9:30 पे मार्केट क्या दिखा रहा है, 9:30 पे मार्केट दिखा रहा है कि मार्केट अपने एक्सट्रीम रेजिस्टेंस की तरफ आ चुका है। तो पहली बार तो अपने लिए पुट का ट्रेड बनता है जब रेजिस्टेंस का प्रेशर बैरिश हो, हम कुछ भी नहीं देखते, तो मार्केट का पहला तो पुट का ट्रेड यहां से हम लेंगे, यहां से पहला पुट का ट्रेड अपने लिए बनेगा। आज दोनों लेवल पास पास आ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे लेवल आसपास आते हैं तो हम उसको एज अ सिंपल एज अ जोन की तरह ट्रीट करके चलते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये एसएल आएगा या टारगेट आएगा, इसने लगभग यहाँ पे एसएल अपना दिया, कोई बात नहीं, मार्केट वापस से नीचे आई है, इसने क्लोजिंग दी लगभग यहाँ पे और रीटेस्ट किया 9:45 पे, हम चल के देखते हैं। अब क्या दिख रहा है भाई, अभी के लिए दिख रहा है सपोर्ट साइड पे वीकनेस आती हुई दिख रही है, अप साइड पे अगर चेक किया जाए तो सपोर्ट तो ऊपर की तरफ वीक है, यानी सपोर्ट की तरफ से प्रेशर आ रहा है मार्केट पे बुलिशनेस का, ठीक है। रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस अभी तक जो 24,200 पर, 24,200 पर कभी पहले मॉर्निंग में वॉल्यूम 100% था, वहां से शिफ्ट होकर जो नीचे आया है, अब वापस से ये वीक होकर कहां जा रहा है, 24,200 की तरफ ही वापस वीक होता हुआ दिख रहा है। एक एक करके देखे, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ओआई में इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है और ओआई चेंज भी इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, यानी जो रेजिस्टेंस अभी तक जो यहाँ पे 24,100 पे बनने की कोशिश कर रहा था वो 24,200 की तरफ जाता हुआ अभी के लिए दिख रहा है। मार्केट ऊपर निकल गई तो 24,150 का भी एक बार लेवल हम ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मार्केट वापस आई लेवल पे 10:09 पे। अब क्या दिख रहा है, अब सिचुएशन कुछ देखने वाली है, समझने वाली, क्या सिचुएशन है। सपोर्ट साइड पे पहले देखें तो सपोर्ट साइड पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी सपोर्ट की तरफ से मार्केट पे प्रेशर बुलिशनेस का आ रहा है। रेजिस्टेंस क्या करता हुआ दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है कभी 24,200 पर ही मॉर्निंग में था वॉल्यूम के कारण से, कितने बजे तक, लगभग 9:26 के आसपास तक, ठीक है जी। अभी के लिए रेजिस्टेंस किसके कारण बचा है, सिर्फ 24,100 के कारण बचा था, जो कि यहां से शिफ्ट होकर कहां चला गया, अपसाइड पे, यानी अपने को अब क्या दिख रहा है, सपोर्ट जो है वो
प्रेशर क्रिएट कर रहा है मार्केट में बुलिश। रेजिस्टेंस 24,100 पर आया था 24,200 से मॉर्निंग में, अब वापस से 24,100 से जा रहा है 24,200 पर। जब इसने वॉल्यूम के कारण नीचे शिफ्टिंग दिखाई थी, नीचे आके स्ट्रांग हो गए थे, वापस ऊपर वीकनेस दिखा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को कहते हैं अनशिफ्टिंग। इसने कौन सा प्रेशर क्रिएट करा मार्केट पे? अनशिफ्टिंग का। जब अनशिफ्टिंग का प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो ये मार्केट को बुलिश बनाने की कोशिश करता हुआ अभी के लिए दिख रहा है। बढ़िया क्या रहेगा अगर 24,100 के सपोर्ट से मिल जाए, जो कि 80 है, वहां से भी कॉल के बारे में व्यू बनाया जा सकता है। अगर हम यहां से देखें तो यहां से भी कॉल का व्यू ले सकते हैं। ध्यान रहे 100% जो है ओआई चेंज का, ये अपसाइड पे वीकनेस दिखानी इसकी जरूरी है। अगर देखा जाए तो ये भी अपसाइड पे वीकनेस दिखा रहा है 24,200 पर, तो यानी जो रेजिस्टेंस खाली ओआई चेंज के कारण बचा है ये भी अपसाइड पे जाता हुआ दिख रहा है और सपोर्ट भी प्रेशर क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। तो यहां से एक बार रिस्की कॉल के बारे में हम व्यू ले सकते हैं। 24,100 देखे तो ये भी बुलिश है भाई, तो कॉल का व्यू तो बनता है यहाँ से हमारे लिए, यहाँ से कॉल का व्यू बनता है। ऐसा रहेगा अगले लेवल तक। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मार्केट अच्छी खासी बुलिश हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस की साइड पे ऐसी सिचुएशन बन रही है अनशिफ्टिंग की तो मार्केट बुलिश होगी, सपोर्ट साइड पे ऐसी सिचुएशन बन रही है तो मार्केट अच्छी खासी बेरिश होने के चांसेस बन जाते हैं। आगे चलते हैं। यह ऐसे लाएगा टारगेट जाएगा, मार्केट ने लगभग अपना अच्छा खासा टारगेट दिया है, ठीक है, मार्केट ऊपर निकल गई है। एक बार 200 का भी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, कितना आ रहा है 235। आगे चलते हैं। मार्केट ने लगभग 100 पॉइंट का पूरा टारगेट अपना दिया है, जो कि दिखा भी रहा था अनशिफ्टी के अंदर। आगे चलते हैं। क्या यहाँ पे अपने लिए कोई ट्रेड के बारे में सोचा जा सकता था? 10:33 पे व्यू देखते हैं मार्केट का अभी के लिए क्या दिख रहा है। सपोर्ट जो है वो अभी भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है मार्केट पे, वो कह रहा है मैं तो और ऊपर ले जाऊंगा मार्केट को। रेजिस्टेंस कह रहा है कि मैं इसको ऊपर लेके आ चुका हूं। अगर ओआई चेंज देखें तो ओआई चेंज यहाँ पे भी वीकनेस दिखा रहा है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे भी वीकनेस दिखा रहा है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी वीकनेस दिखा रहा है। यानी 24,700 पर अच्छा खासा मार्केट का प्रेशर ये क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। यानी अपने लिए क्या दिख रहा है, सपोर्ट का प्रेशर मार्केट पे बुलिश है, रेजिस्टेंस का प्रेशर मार्केट पे यहां से ओआई चेंज यहां आता हुआ दिख रहा है, कहां 24,700 पर। अब मेन देखने वाली बात है वॉल्यूम कहां कहां वीक हो रहा है। वॉल्यूम को चेक करें तो 64% यहां दिख रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज है। यहाँ देखा जाए यहाँ पे थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है, यानी 24,300 पे वॉल्यूम जाता हुआ अभी के लिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। बढ़िया रहेगा बाय ऑन डिप, उसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। आगे चलते हैं। बाजार ऊपर निकला, वापस इसने यहाँ पे किया 1042 पे चल के देखते एक बार, 250 का लेवल है 287, ये भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। बाजार ऊपर आके वापस नीचे आया, अब कितने बजे आया है टाइम देखें एक बार, 1042 पर। 1045 का हम डाटा देख रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है अभी के लिए, ओआई चेंज तो भाग गया ऊपर 24,300 पर। वॉल्यूम देखना है मेन, वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। यानी अपने को क्या दिख रहा है, अब सपोर्ट की साइड से प्रेशर बुलिश, रेजिस्टेंस का प्रेशर दिख रहा है कि वो कहां जाता हुआ दिख रहा है, रेजिस्टेंस खाली बचा वॉल्यूम का जो कि आता हुआ दिख रहा है 24,300 पर। अगर रेजिस्टेंस अपने को दिख रहा है 24,200 पर, रेजिस्टेंस की वीकनेस दिख रही है 24,300 पर, तो मार्केट आर प्लस तक जाने की क्षमता रखता है। आर प्लस कितना हो गया 50% कितना हो गया 24,250 का रेजिस्टेंस, तो बाजार यहां तक आने की क्षमता पूरी पूरी रखता है। अगर हम यहां से एक बार रिस्की कॉल के बारे में सोचा व्यू लिया जा सकता है, जिस हिसाब से बाजार पूरा बुलिश है, ध्यान रहे रिस्की है, सेफ ट्रेडर 183 का ही वेट करें। आगे चलते हैं जी। एसएल रहेगा 20 पॉइंट्स। आगे चलते हैं। ये एसएल आएगा टारगेट आएगा, यहाँ बाजार ने पूरा टारगेट दिया अपने को। कितने बजे का टाइम है 11:09, 11:09 पे चल के देखते हैं अब क्या दिख रहा है भाई। सिचुएशन सेम है, सिचुएशन में कोई फर्क तो है नहीं, बढ़िया रहेगा नीचे से मिले तो बाय ऑन डिप करें। यहां से ट्रेड बनाना अब थोड़ा डिफिकल्ट है, पुट तो बनाएंगे ही नहीं हम। बाजार ऊपर निकल चुका है 11:18 पे चल के देखते हैं एक बार, बाजार 24,300 पे अब शिफ्टिंग दे चुका है 340, यहाँ पे शिफ्टिंग इसने दे दी पूरी। अब बढ़िया क्या रहेगा अगर वापस से अब मुझे कहां मिल जाए 288 पे भी मिलेगा तो मैं एक रिस्की कॉल के बारे में सोच पाऊंगा। जिन्होंने इस ट्रेड में एंट्री ले रखी है वो या तो अपना यहां से एटलीस्ट अपना जो टारगेट है उसको होल्ड करके आगे ले जा सकते हैं, या फिर अपना एसएल ट्रेल करके ले जा सकते हैं, या फिर इसको यहीं बंद कर अपना दोबारा रीटेस्ट का वेट करेंगे। आगे चलते हैं। अगर रीटेस्टिंग करेगी तो हमारे लिए ट्रेड बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि इसने शिफ्टिंग दिखा दी बाजार के ऊपर पूरी, ना ऊपर के लेवल को टच कर रही है ना नीचे के, यहां इसने टच करा नीचे के लेवल। यहां बाजार देखते हैं 1157 पे क्या मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। यहां कुछ चेंज आया भाई बाजार में, क्या चेंज आया देखने वाली बात क्या है अभी के लिए। अगर हम देखें यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है कि 24,300 पर भाई अपने को क्या दिख रहा था, ये जो वॉल्यूम है ये इसकी रेंज से बाहर निकली थी मार्केट, जिसके कारण से ऊपर चला गया था बाजार। अभी के लिए यहाँ पे वॉल्यूम की परसेंटेज दोबारा 93% अपने को दिख रही है। सपोर्ट जो है ये
कहीं यहाँ से यहाँ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसके कारण यहाँ कर रहा है, और यहाँ पे दोनों साइड प्रेशर क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। अब ये देखेंगे सपोर्ट का प्रेशर अभी भी चल रहा है या नहीं। बाजार ध्यान रहे यहाँ पे 100 समथिंग 100 से ऊपर था, 110% के आसपास था, बाजार इसके रेंज में वापस आया जिसके कारण से इसमें पावर वापस इसे मिल गई। अभी के लिए मेन है हमें चेक करना कि यहाँ पे परसेंटेज का क्या हाल चाल। परसेंटेज इंक्रीज है, अच्छी खासी इंक्रीजिंग में है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी वॉल्यूम का प्रेशर यहाँ पे है, ओआई चेंज का प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखें यहाँ पर भी प्रेशर दिख रहा है, तो बढ़िया रहेगा कि यहाँ से एक बार यहाँ से ना सोच के हम 250 यानी 234 से सोचे तो हमारे लिए सेफ कॉल का ट्रेड एक बन सकता है। आगे चलते हैं, उससे पहले तुम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। बाजार आया वापस यहाँ पे 12:12 पे, चेक करते हैं एक बार। 12:12 पे आए हम 24,300 से, जो 24,300 पर ये जा रहा था, अगर चेक करें अभी के लिए अभी भी इंक्रीजिंग मोड पे दिख रहा है। वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है, ओआई स्टेबल है और ओआई चेन इंक्रीजिंग मोड पे दिख रहा है। यहाँ नीचे अगर परसेंटेज चेक करें तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली क्या दिख रही है, देखो यहाँ से कहीं यहाँ पे जाता हुआ जरूर दिख रहा है अपने को रेजिस्टेंस, पर ओआई चेंज यहाँ से यहाँ आता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट में जो वीकनेस अभी तक आई थी अपसाइड पे, वो अब कहीं गायब सी होती हुई दिख रही है। ये दोनों में बची है परसेंटेज, इसको भी एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, नो डाउट वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, ओआई स्टेबल है और ओआई चेंज भी डिक्रीजिंग पे ही दिख रहा है। बढ़िया क्या रहेगा, 24,250 के सपोर्ट में मिले जो कि 235 है, तो यहाँ से हम कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर एक बार चेक करें नीचे का व्यू, तो नीचे का व्यू कह रहा है अभी तो मैं ठीक हूँ, बुलिश हूँ, ले सकते हो, तो यहाँ से एक बार तो कॉल का व्यू अपने लिए बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ से हमने कॉल का व्यू लिया, ऐसे रखेंगे 20 पॉइंट्स का। आगे चलते हैं, अब मेन देखने वाली बात ये है, अब आगे चलते हैं, अब इसको देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, या तो एसएल देगा या टारगेट देगा। ये वापस आया नीचे, लगभग कितने बजे आया नीचे, इसने एसएल भी अपना हिट कर दिया, कोई बात नहीं। कितने बजे का टाइम है, टाइम देखते हैं 12:21। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे अब तो दिख रहा है भाई, अब तो सिचुएशन दिखा भी रही है। क्या दिखा रही है कि रेजिस्टेंस यहाँ से कहीं अब पूरी शिफ्टिंग अपनी दे चुका है अपसाइड पे। तो बढ़िया रहेगा कि अगर वापस यहाँ मिले तो हम कॉल के बारे में सोचें, या फिर हमें यहाँ पे ऊपर आके वापस रीटेस्ट करती है तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। दोनों साइड से कॉल के बारे में ही व्यू हमारे लिए बनेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 12:27 चेक करते हैं। यहाँ कुछ देखने को मिला है, यहाँ क्या देखने को मिला, अब देखने वाली जो बात है, क्या देखने को दिख रहा है भाई, रेजिस्टेंस अभी इसकी गोद में नहीं गया था जैसे पहले चला गया था, अब ये मतलब जैसे पहले स्पॉट प्राइस ऊपर गया था उसके कारण से रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ था, अब इसने पूरी शिफ्टिंग दिखाई, वापस से नीचे आ गया, यानी अब यहाँ पे फिर कौन सी सिचुएशन बना दी इसने, अनशिफ्टिंग। इसने ये मार्केट पर सिचुएशन फिर से क्रिएट कर दी, यानी सुबह भी इसने सिचुएशन क्रिएट कर दी, अब दोबारा से सिचुएशन इसने क्रिएट करी, तो यानी ये मार्केट को अब किस तरफ को धकेलने की कोशिश कर रहा है, डाउन साइड पे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पहले देखो मॉर्निंग में यहाँ पे आया था, इसने अपनी इस जगह पे पैसा लगाया, इस जगह को होल्ड करा, ऊपर गया, वापस नहीं स्टेबल हो पाया, वापस से नीचे आके इसने इसी जगह पर दोबारा अपनी पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश शुरू करी है। इस कंडीशन को एओसी में अनशिफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो फिर से क्या रहेगा, अगर अपने को अब दिख रहा है क्या मार्केट कहां खड़ी है, 24,200 के रेजिस्टेंस में खड़ी है, तो हम अब इसको एक सिंपल तरीके से वो समझते हैं, हम चाहते हैं कि बाजार इसके ऊपर चले, कॉल बनाए, है ना, लेकिन बाजार कह रहा है मैं इसके ऊपर जाने नहीं दूंगा, इसे तुम ले जाओ कैसे ले जाओगे। तो हमारे लिए बढ़िया क्या रहेगा, यहाँ से हम फिर से एक बार पुट के बारे में ही अब व्यू लेंगे, बाजार बुलिश है, ध्यान से लेंगे, स्टिक एसएल के साथ लेंगे, क्योंकि अनशिफ्टिंग हुई है, अनशिफ्टिंग के बाद मार्केट अपने को जिस, देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था रेजिस्टेंस की अगर अनशिफ्टिंग अपसाइड पे हो रही है तो मार्केट को बुलिश बनाएगा, अगर सपोर्ट की अनशिफ्टिंग डाउन साइड पे हो रही है तो मार्केट को बेरिश बनाएगा, उसी प्रकार अगर अनशिफ्टिंग सपोर्ट की अपसाइड पे हो रही है तो मार्केट को बुलिश की तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस की अगर अनशिफ्टिंग डाउन साइड पे हो रही है तो मार्केट को बेरिश की तरफ धकेलेगा। अब इसने मार्केट में अनशिफ्टिंग दिखाई डाउन साइड पे, तो मार्केट को फिर से बेरिश प्रेशर क्रिएट मिला इसे। अब चेक करते हैं एक बार यहाँ पे वीकनेस का क्या हालचाल है, यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, ओआई अपने पुराने हाई को अभी तक तोड़ नहीं पाया, खैर ये भी एक स्टेबल मूवमेंट पे ही है, ओआई चेंज भी कोशिश कर रहा है संभलने की, ठीक है, मार्केट फिर भी एटलीस्ट 24,200 के सपोर्ट तक आने की अब क्षमता रखता है। एक बार 250 वाले से परमिशन ले तो 250 वाला तो अच्छा खासा बेरिश है अपने लिए, तो यहाँ से एक बार तो पुट का ट्रेड अपने लिए बनता है, टारगेट रहेगा अपने लिए अगले लेवल तक का। आगे चलते हैं, यहाँ बाजार ने वापस से नीचे क्लोजिंग दी, क्या हमें निकल जाना चाहिए या रुकना चाहिए 12:54 पर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसने वापस से शिफ्टिंग अपसाइड पे दे दी भाई, ये कह रहा है कि 24,200 पर मैं वापस से जाके बन चुका हूँ,
ऊपर वापस शिफ्टिंग दे चुका हूँ। नीचे की अगर वीकनेस चेक करें तो नीचे अभी परसेंटेज 99.6 है, तो अपने लिए अब ये ट्रेड जो है थोड़ा रिस्की होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से हम कॉल के बारे में भी नहीं सोच सकते और पुट के बारे में भी नहीं सोच सकते। जो यहाँ पे ट्रेड में बैठे फ्रेश एंट्री ना करें, SL अपना एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कर दें। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब क्या हुआ, देखो जो बाजार अभी तक कह रहा था मैं इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा बाजार, वो वापस ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। इसने जो अनशिफ्टिंग सिचुएशन बनाई थी ये फेल हो गई, ये फेल हो चुकी है, जिसके कारण से बाजार वापस से अब अपसाइड का मूव ले सकता है। तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है 1:06, 10 मिनट बीत चुके हैं। एक बार चेक करते हैं वापस से, सिचुएशन सेम है, सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है। 1:09 हो चुके हैं, अभी भी वैसे ही दिख रहा है, रेजिस्टेंस का प्रेशर अब भी डाउन साइड पर ही अपने को दिख रहा है, यानी ये ऊपर। अब देखते हैं इसको भी दोबारा से, अभी के लिए क्या दिख रहा है, सेम सिचुएशन बनी हुई है। टाइम कितना है, 1:06, सॉरी 1:09 के डाटा पे चल के वापस, 1:09 के डाटा पे सेम सिनेरियो बना हुआ है। परसेंटेज देखा जाए तो इस परसेंटेज में भी कोई खास फर्क है नहीं, वॉल्यूम अभी भी उतने पे ही रुका हुआ है, तो हमारे लिए अभी भी ये एक रिस्क जोन में बैठा हुआ है। तो ध्यान रहे इसकी परसेंटेज का क्या हिसाब चल रहा है, ये जरूर देखेंगे। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वॉल्यूम अभी भी इंक्रीजिंग मोड पे है, OI स्टेबल है, OI चेंज भी लगभग स्टेबल है, यानी ना OI चेंज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ना OI जाने की कोशिश कर रहा है, ना वॉल्यूम ऊपर जाने की अभी के लिए कोशिश करता हुआ सिर्फ दिख रहा है, यानी वॉल्यूम के कारण सिर्फ दिख रहा है। ये सपोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के कारण दिख रहा है, ना कि OI, ना OI चेंज के कारण ये जाता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है जी, बढ़िया क्या रहेगा अगर हमारे लिए ये रेजिस्टेंस जो है ऐसे ही बना रहे, इसकी परसेंटेज खत्म हो जाए तो हम यहाँ कहीं से थोड़ा सा कॉल के बारे में व्यू ले पाएंगे, लेकिन ये परसेंटेज जो है हमारी ये वाली, ये हमें लेने के लिए अभी मना कर रही है। आगे चलते हैं, इसका मूव उम्मीद है कि डाउन साइड पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो परसेंटेज छोड़ नहीं रही। यहाँ बाजार आया इस जगह पे चेक करते हैं 1:40 के आसपास, अब इसने दोबारा से अनशिफ्टिंग दिखाई है, अनशिफ्टिंग सिचुएशन दिखा चुका है, बाजार 24,200 पे आके खड़ा हो गया है, 24,200 के अब देखो क्या कर रहा है, बाजार आ गया 24,200 के आसपास, राइट। सपोर्ट यहां से कहीं यहां जा चुका है, रेजिस्टेंस जो ऊपर शिफ्ट हुआ था ये वापस से नीचे आ गया, OI चेन यहां से वापस से नीचे आता हुआ दिख रहा है, यानी रेजिस्टेंस की साइड से फिर से इसने अनशिफ्टिंग का एक क्रिएशन दोबारा से कर दी। पहली वाली फेल हो गई थी, अभी दोबारा से अनशिफ्टिंग हो चुकी है, तो हमारे लिए बढ़िया क्या रहेगा अगर हमें ऊपर से मिले तो हम पुट के बारे में व्यू बनाएंगे, ना कि कॉल के बारे में। आगे चलते हैं, यहाँ पे मार्केट आई 154 पे, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या दिख रही है। अगर यहाँ परसेंटेज चेक की जाए वॉल्यूम की तो वॉल्यूम संभलता हुआ सही है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर भी संभलता हुआ सही दिख रहा है, कोई खास परसेंटेज में फर्क नहीं है। साथ साथ इधर की परसेंटेज देखें वॉल्यूम की, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो अपने को क्या दिख रहा है अभी के लिए मार्केट अब कहाँ आ गया, 24,150 के सपोर्ट पर, मार्केट का वापस से सपोर्ट नीचे आता हुआ दिख रहा है 100 पर। ठीक है जी, दूसरी बात रेजिस्टेंस की साइड से अनशिफ्टिंग हो चुकी है, तो यहाँ से थोड़े से रिस्क के साथ एक पुट का ट्रेड व्यू लिया जा सकता है। बढ़िया रहेगा कि अगर हमें यहाँ से मिले तो हम यहाँ से सोचें, वरना यहाँ से भी एक पुट का रिस्की पुट का व्यू बनाया जा सकता है। मार्केट की कैंडल कितने मिलेगी 154 की, हम खड़े 150 के रेजिस्टेंस पे और 150 के सपोर्ट पे सॉरी, तो हमारे लिए बढ़िया क्या रहेगा हम 150 के से ही पूछें, तो 150 कह रहा है कि मैं तो बैरिश हूँ भाई। अगर ब्लू लाइन को देखें सिंपल, तो ब्लू लाइन अच्छी खासी बैरिश है, तो यहाँ से एक बार तो पुट का ट्रेड अपने लिए इनिशिएट किया जाना चाहिए। टारगेट रहेगा अगले लेवल का, SL रहेगा 20 पॉइंट्स का। आगे चलते हैं, यहाँ इसने SL ले लिया, आगे चलते हैं, वापस से नीचे आई, क्लोजिंग भी नीचे दी, यहाँ इसने टच करा, क्या 2:12 पे हमारे लिए कोई ट्रेड बनता था? वैसे हम ट्रेड करते नहीं है, पर फिर भी एक बार देख रहे हैं। अब देखो ये अनशिफ्टिंग जो थी सक्सेसफुल हो गई, सक्सेस हो गई, क्यों हो गई, रीजन क्या था, ये जो वीकनेस है ये घट रही है, 100 से 97 हुई है, लेकिन ये जो शिफ्टिंग हुई थी ये वापस से नीचे आता हुआ दिख रहा है, 99 हो गया है, ये परसेंटेज भी घट रही है, तो ये भी इसका भी हमने ध्यान रखना है। तो यानी सपोर्ट अब डाउन साइड पे आ रहा है, तो एक बार तो फिर से ट्रेड के बारे में व्यू लेना चाहिए यहाँ से। टारगेट रहेगा हमारा अगला लेवल, SL रहेगा 20 पॉइंट्स का SL था। आगे चलते हैं, यहाँ इसने पूरा टारगेट अपने को दिया है, यहाँ इसने अपने को पूरा टारगेट लगभग दिया है, तो बढ़िया क्या रहा आज के लिए अगर देखा जाए, ट्रेड का ओवरव्यू देखा जाए तो क्या रहा हमारे लिए, हमने लगभग कितने ट्रेड करे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेड मिले अपने को, 7 में से एक में SL, दूसरे में अच्छा खासा प्रॉफिट, तीसरे में भी प्रॉफिट और चौथे में हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का टाइम मिला, पांचवे में SL गया, छठे में SL गया और सातवें में प्रॉफिट, यानी एक प्रॉफिट और 2 प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट, 4 प्रॉफिट, 4 प्रॉफिट में गए
और एक एसएल, एक कॉस्ट टू कॉस्ट गया और दो का अपना ऐसा लगा है, ठीक है जी। तो लगभग अपने लिए आज ग्रीन डे ही था, सही। अच्छे से अगर जिसने एओसी का रूल रेगुलेशन फॉलो किए होंगे वो अपने लिए आज उसको टारगेट मिले होंगे। एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा एंड में, मैं यहाँ पे ये जो मूव आया ना डाउन साइड का, ये वाला जो मूव आया है यहाँ पे, इसने रजिस्टर ने अनशिफ्टिंग की क्रिएशन की जो कि बाद में फेल हुई, उसके बाद से वो परसेंटेज घटी नहीं थी। तो यहाँ से ये वाला जो मूव था, ये वाला मूव अगर हम इसको लगातार रेजिस्टेंस को देखते रहते जो हमने छोटे छोटे टाइम पे देखा है, तो यहाँ पे अच्छा खासा मूव उसने शो किया था कि मैं वापस से डाउन साइड पे शिफ्ट हो चुका था। यानी इसने अनशिफ्टिंग बाद में दोबारा से सक्सेस की थी अपनी, दोबारा से आया था लेकिन फिर से फेल हुआ, जिसके कारण से हमारे को यहाँ पे हमने ट्रेड अपना छोड़ा था। लेकिन अगर ये फेल ना होता तो हमारे लिए ये मूव हमारे पास ही था, ठीक है जी। अब चल के देखते हैं क्रूड पे, क्रूड क्या कर रहा है, एक बार क्रूड का एनालिसिस भी देख लेते हैं। एक बार क्रूड का देखते हैं एनालिसिस। क्रूड में हम यूज करते हैं 15 मिनट्स की कैंडल, अगर वो हमारे अगेंस्ट बंद हो जाती है हमारे लिए एसएल का काम करती है, ठीक है जी। अब क्रूड को देखते हैं क्रूड क्या कर रहा है अभी के लिए। क्रूड में क्या दिख रहा है, क्रूड के अगर हम देखें नेक डाइस से क्या दिख रहा है, क्रूड में रेजिस्टेंस दिख रहा है 5900 पे, जो कि 5950 से आया है। कैसे हमें पता चला, हमें बताया इसने, इस लाइन ने 2 बजे आया, यानी रेजिस्टेंस का प्रेशर तो बेरिश है मार्केट पे। अब सपोर्ट भी देख लेते हैं एक बार, सपोर्ट क्या करता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है 5900 पे, किसके कारण, वॉल्यूम एंड ओआई चेंज के कारण। अभी तक इसमें मॉर्निंग से कोई चेंजेस तो आए नहीं, ठीक है। एक बार चेक करेंगे हम 5800 को, क्योंकि 66% दिख रहा है यहाँ पे भी, और कोई खास परसेंटेज नीचे है नहीं। एक बार चेक करते हैं ओआई चेंज, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो यानी अपने को क्या दिख रहा है क्रूड में, रेजिस्टेंस का प्रेशर बेरिश, सपोर्ट का प्रेशर बेरिश, यानी बढ़िया क्या रहेगा, पुट का ट्रेड। ऑल ओवर ट्रेंड देखें 70% मार्केट का दिख रहा है कि मार्केट आज का 70% जो है बेरिश व्यू में दिखा रही है। अब एक बार 5900 का लेवल ड्रॉ करते हैं, जो कि आ रहा है 5926, इस लेवल को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। साथ साथ एक लेवल आ रहा है 5875 का, ठीक है जी। उसके बाद 5800 का भी एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि आ रहा है 5829। बढ़िया अपने को क्या मिलेगा, अगर मार्केट हमें 5900 के रेजिस्टेंस में मिल जाती है, जो कि है 5926, हमारे लिए यहाँ से एक अल्ट्रा सेफ पुट के बारे में व्यू बन सकता है। अगर 5850 के और 5900 के सपोर्ट पर मिलती है और ये थोड़ा सा इसमें वीकनेस तेज हो जाती है, यानी एक्टिव हो जाता है, तो हम यहाँ से भी एक बार पुट का व्यू ले पाएंगे, ठीक है जी। अभी के लिए मार्केट का अपना क्रूड का एनालिसिस बेरिश है, ध्यान रहे। निफ्टी का पोस्ट मार्केट में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्रूड का एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड प्रेस अ बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।